स्पीच है कि नहीं शोएब जमाई? नहीं है हेट स्पीच, नहीं है हेट स्पीच, क्यों हेट स्पीच नहीं है? सुनिए यहाँ पे वो वही बात कह रहे हैं जो नसरुद्दीन शाह साहब, अरे नसरुद्दीन शाह गए जो छोड़िए उनको, मैं आपसे ये कह रहा हूँ उन्होंने कहा मेरे नौजवान, उनका नौजवान कौन है मुझे बताइए? मेरे नौजवान, उनके नौजवान सिर्फ मुसलमान क्यों हो, उनके नौजवान दलित भी हो सकते हैं, उनके नौजवान ओबीसी जाति के लोग, अरे भाई ओबीसी जाति के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, मैं अरे भाई मैंने तो मुसलमान कहा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो जिसको भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी भागने की जगह नहीं बचेगी, ओबीसी उसमें नहीं है, हिंदू में ऐसी नहीं है, हिंदू में दलित नहीं है, हिंदू में हिंदुओं की भागने की जगह, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, जैसे किसानों ने यहाँ से बीजेपी वालों को गांव-गांव से भगाया, अब आप इंटरप्रिटेशन मत सिखाइए, अब आप इंटरप्रिटेशन मत सिखाइए, जैसे जैसे ओवैसी साहब के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए बता देंगे, इसमें इंटरप्रिटेशन का मामला है। मैं फिर से बाइट सुना देता हूँ, मैं ऑडियो सुनाता हूँ, एक मिनट ऑडियो सुनिए, फिर से ऑडियो सुनिए, फिर से देश का नक्शा तक बदल जाएगा, ये तक कहा उन्होंने, देश का नक्शा बदल जाएगा, सुनिए एक बार, सुनाइए। मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है, मैं डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा। मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है, मैं डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो मुर्दे हो गए, तुम तो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। तुम्हें हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, जाहिर से बात है, नहीं जाहिर से बात है, बीजेपी वालों को जब किसानों ने भगाया तो किसी गांव में पनाह मिल रही थी क्या? हरिद्वार पनाह मिलेगी? इट इज नॉट अबाउट It is not about BJP, it is about country. No, Sushant Sinha, it is about ideology. No, it is not about ideology. आप कितनी भी उन्होंने हिंदू भाई कहा, उन्होंने बीजेपी के लोगों को नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ, आपको फिर से पढ़कर सुना देता हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव की नैरेटिव नहीं बदलेगी, ये ओबीसी जमाई सिर्फ आपका नाम और तौकीर रजा का नाम सेम है, इसलिए आपका धर्म सेम है, इसलिए डिफेंड मत कीजिए। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सुनिए, लाइन सुनिए, और खास तौर से मेरी लाइन सुनिए, खास तौर से मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया, कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तुम्हें हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदू भाई, देयर इज नो मेंशन ऑफ बीजेपी। भाई सुशांत जी मैं आपको एक बात बताऊं, आप इतनी मेहनत करते हैं बीजेपी वालों के लिए, मैं कोई मेहनत नहीं करता, आप बहुत मेहनत करते होंगे अपने धर्म के लिए, सुन लीजिए, मैं आपकी बकवास सुनूंगा ही नहीं, इट इज नॉट अबाउट बीजेपी, इट इज अबाउट कंट्री। अब आप सुन लीजिए, मैं नहीं सुनूंगा अगर आप इसको बीजेपी पर लेकर आएंगे, ये बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। अरे सुनिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ जो मैंने पहले कहा, सुशांत जी आप बताइए अगर ये हेट स्पीच होती तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे हाथ में है, होती नहीं, हेट स्पीच है ये, हेट स्पीच अगर अभी कोई साधु संत खड़ा होकर दे रहा होता तो आपके मुंह से निकल रहे होते अंगारे, उस व्यक्ति का नाम तौकीर रजा है, इसलिए आपके मुंह से नहीं निकल रहा कि अगर ये हेट स्पीच है। अच्छा ये बताइए, सेंटर में होम मिनिस्टर के अधीन क्या भारत के सारी पुलिस नहीं? फिरोज बख्त अहमद साहब, सुन लिया आपको? मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया शोएब जमाई, आई हैव सीन इट ऑल।